हेलो बच्चों, लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन सेज. द नोबेल प्राइज फॉर स्टडींग हनी बीज वॉज गिवन टू, हियर आर फोर ऑप्शंस: ए कैल कॉरेंस, बी कैल वॉनफ्रिन, सी हीगो डी व्रीज एंड डी पार्किंसन. ओके, क्वेश्चन पूछा गया है नोबेल प्राइज हनी बी की स्टडी के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला है. तो हम बात करें अगर हनी बी की, तो जो हनी बीज होती हैं, हनी बीज, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज. पर इन्होंने एक कैरेक्टर, एक चीज देखी जाती है, दे हैव मोस्ट सफोस्टिकेटेड, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम. ये जो हनी बीज होती हैं, ये एक दूसरे से कम्युनिकेटेड, बहुत सफोस्टिकेटेड सिस्टम से करती हैं. और एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है, एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट हैं, ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट, एंड ही इज कैल वॉन फ्रिट्ज. इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, ही डिड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट हाउ हनी बीज कम्युनिकेट विथ ईच अदर, दैट हाउ हनी बीज कम्युनिकेट विथ ईच अदर. इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करे और इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज मिला. नोबेल प्राइज ही, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और इन्हें नोबेल प्राइज मिला फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन. और काफी सारे साइंटिस्ट के साथ इन्हें ये चीज मिली है. अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, तो हनी बीज की स्टडी के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला है, ऑप्शन हमारा बी. अगर हम बाकी के ऑप्शन को देखेंगे, ए कैल कॉरेंस और हीगो डी राइस, इन्होंने जेनेटिक्स पे वर्क किया, और पार्किंसन, ये पार्किंसन डिजीज, इन्होंने उस डिजीज के बारे में बताया. सो बी इज अवर राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.